हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मॉक टेस्ट के संबंध में। आपको इस वीडियो में 30 प्रश्न मिलेंगे और आज से लेकर 7 जुलाई तक मैं आपको हर सब्जेक्ट के 10-10 मॉक टेस्ट दूंगा। तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। इससे पहले भी हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मॉक टेस्ट कर चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं किया तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही करे हैं। ये ऐसे वीडियोज़ होंगे, अगर आपने तैयारी कर ली होगी तो आपके जो नंबर हैं वो 25 से प्लस आएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, आपके विद्यालय की समय तालिका निर्माण होना क्यों आवश्यक प्रतीत होता है? इससे विद्यालय कार्यक्रम का उपयुक्त विभाजन संभव है। यह पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद देगा, इससे छात्रों को पढ़ने में मन लगेगा, यह शिक्षण को सरल बनाता है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। देखिए, इससे विद्यालय कार्यक्रम का उपयुक्त विभाजन संभव है। अगला है, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसीलिए बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब परिश्रम से तैयारी कर रहा है। वह अप्रेरित है, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से, बौद्धिक रूप से। तो मोहित जो है वो आंतरिक रूप से अप्रेरित है, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, आप छात्रों के लिए खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना क्यों आवश्यक समझते हैं? इससे वह अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास कर सकेंगे, इससे उनमें उचित संवेगों का विकास होगा, यह क्रियाएं छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से कर सकेंगी, यह उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग संकेत करता है। अनुरूपी शिक्षण, पूर्व अधिगम का पुनरावृत्ति, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता, छात्रों द्वारा की गई गलतियों के कारणों को पता लगाना। इसके फोल्डिंग क्या है? तो इसके फोल्डिंग है आपका वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। ये वाइगोस्की के सिद्धांत में है। इसका ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, अच्छे छात्रों से दोस्ती करना, छात्रों को नोट्स लिखाना, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को चाहिए सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के बाद आप क्या करना पसंद करेंगे? घर के पास विद्यालय में शिक्षक बनना, सरकारी विद्यालय में नौकरी करना, अंग्रेजी विद्यालय में नौकरी करना, किसी भी विद्यालय में शिक्षण करना। तो किसी भी विद्यालय में शिक्षण करना, इसका ऑप्शन सही है आपका। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थित, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, छात्रों द्वारा पूछताछ, कक्षा में निस्तब्ध शांति, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। तो ये है छात्रों द्वारा पूछताछ। अगला है, आप किस प्रकार के व्यवसाय में जाना पसंद करेंगे जिसमें आप बहुत अधिक धन जमा कर सके, जिसमें आपकी ख्याति मिल सके, जिसमें आपको शांति मिल सके, जिसमें आपको खूब घूमने का मौका मिले?
तो इसका ऑप्शन आपका सही है, जिसमें आपको शांति मिल सके, इसका ऑप्शन आपका सी सही है। अगला है तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है, द्विकारक सिद्धांत से, समूह कारक सिद्धांत से, पदानुक्रमिक सिद्धांत से, बहुबुद्धि सिद्धांत से। तार्किक गणितीय बुद्धि संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है बहुबुद्धि सिद्धांत से। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है। अगला है आज के छात्र में पढ़ने की आदत समाप्त होती जा रही है, आप अपने छात्र में स्वाध्याय की आदत को कैसे विकसित करेंगे? उनको अपना उदाहरण देंगे, स्वाध्याय के लाभ उन्हें बताएंगे, पुस्तकालय में उन्हें अनिवार्य रूप से बैठने को कहेंगे, उनके लिए अच्छा सा साहित्य उपलब्ध कराएंगे। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो आपका सही है बी, स्वाध्याय के लाभ उन्हें बताएंगे। जब आप उन्हें स्वाध्याय के लाभ बताएंगे तो वो जो है उनके अंदर स्वाध्याय की आदत विकसित। तो अगला प्रश्न है, आप प्रभावी ढंग से कैसे सीख सकते हैं? पढ़ने में अधिक समय व्यतीत करना, लिखने में अधिक समय व्यतीत करना, हमारी इच्छाओं को समझना, आवश्यकता और उपागम के अनुसार अपनी अध्ययन की आदत का निर्माण करना। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही है, आवश्यकता और उपागम के अनुसार अपनी अध्ययन की आदतों का निर्माण करना। अगला, प्रत्येक अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है, उसका शिक्षण छात्रों के मस्तिष्क में किस सीमा तक स्थिर रह पाया है, इसके लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही है, पढ़ाते समय बीच बीच में अध्यापक को प्रश्न पूछ लेना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अगला है, विकास की प्रक्रिया के चार बुनियादी तत्वों की पहचान किसने की थी? एरिक्सन ने, स्किनर ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने। तो जीन पियाजे ने की थी। अगला है, अध्यापक को छात्रों को इस बात के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे उससे प्रश्न करें? जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें वह प्रोत्साहित करें। अध्यापक को बच्चों को प्रश्न पूछने नहीं देना चाहिए, उसे कुछ छात्रों को प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी नहीं चाहिए, कभी कभी छात्रों को अनुमति दे देनी चाहिए। पहला वाला ऑप्शन सही है, जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि अगर आप उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तो दूसरे बच्चे उन्हें देखकर प्रश्न पूछेंगे। अगला है, छात्रों का उनके आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उनके आत्मसम्मान और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, घटाता है, घटाता है, घटाता है, प्रभावित नहीं करता है। छात्रों को उनके आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उनके आत्मसम्मान को घटाता है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता, ये इसका जवाब होगा। अगला है, पढ़ाते समय बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसका ऑप्शन आपका डी सही है, आप उन सभी प्रश्नों को स्वीकार कर लेंगे जो पाठ से संबंधित हैं। यानी पढ़ाते समय बच्चे अगर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और अगर आप वो बच्चे पढ़ने से संबंधित यानी जो आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो सही है, उन प्रश्नों को आप बताएंगे उनको। अगर वह अनावश्यक प्रश्न पूछ रहा है तो उनको समझा देंगे
कहेंगे इस प्रकार के प्रश्न आप मत पूछिए। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही है। अगला है, आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो त्रुटियां करते हैं, स्थित का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें कौन सा कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन। इसका ऑप्शन आपका डी सही है। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता नहीं प्राप्त की है तथा अपने अध्यापन पर विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। ये जरूरी नहीं है कि बच्चे अगर त्रुटियां कर रहे हैं तो उनका जो आईक्यू लेवल है वो गलत है या आईक्यू लेवल उनका कम है, वो पढ़ने में अच्छे नहीं है। तो इसका एक फैक्टर यह भी हो सकता है कि जो उनको पढ़ाया गया है वो उनको समझ में नहीं आया, यानी जो पाठ्यक्रम है उसकी संकल्पना बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो जो अध्यापन की विधियां हैं उनको बदल लिया जाए। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अगला है, शिक्षकों को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है, इससे अध्यापक में आत्मविश्वास आता है, अध्यापक नवीनतम ज्ञान को समझने में समर्थ होता है, अध्यापक को व्यावसायिक प्रोन्नत मिल जाती है, या अध्यापक को एक शिक्षक अच्छा शिक्षक बनाती है। इसका ऑप्शन आपका जो है बी सही होगा। जो सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है, अध्यापक नवीनतम ज्ञान को समझने में समर्थ होता है। अगला है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना संशोधित की जाती है क्या कहलाती है, आत्मीकरण, स्कीमा, प्रत्यक्ष, समंजन। इसका ऑप्शन आपका ए सही है, आत्मीकरण। आत्मीकरण प्रक्रिया में जो है पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान का समावेश किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना संशोधित की जाती है, यानी ज्ञान की जो संरचना है उसमें परिवर्तन किया जाता है, यानी पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान का समावेश किया जाता है। तो यही होगा आपका पहला ऑप्शन, आत्मसातीकरण। अध्यापकों की प्रोन्नति का आधार क्या होना चाहिए, नौकरी की अवधि, प्रधानाचार्य की इच्छा पर, छात्रों के मध्य उसका स्थान, उसके पिछले वर्ष में शैक्षिक अभिवृत्ति। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन डी, उसकी पिछले वर्ष में शैक्षिक अभिवृत्ति। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। अगला है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में बच्चों की विफलता से हमें विश्वास करने लगते हैं, हम विश्वास करने लगते हैं, पढ़िए और बताइए। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है। पाठ्यक्रम, शिक्षण और आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में बच्चे की विफलता से हम विश्वास करने लगते हैं कि पाठ्यक्रम, शिक्षण और आकलन प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, कुछ बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ बच्चे विफल हो रहे हैं, तो जो है हमें देखना चाहिए कि पाठ्यक्रम, शिक्षण और आकलन प्रक्रिया कैसी है, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अगला है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाता है, या शिक्षण कार्य को रोचक बनाता है, या अध्यापक एवं छात्रों को दिशा प्रदान करता है, या शिक्षक को छात्रों को नियंत्रित रखने में मदद देता है। तो इसका ऑप्शन आपका जो सही है वो है सी, यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप जो है वीडियो रोक करके ऑप्शन टिक कर सकते हैं, सी ऑप्शन सही है आपका। अगला है, ब्लूम वर्गीकरण का अनुक्रम है, उपलब्धि लक्ष्यों का, पाठ्यक्रम घोषणाओं का, पढ़ने के कौशल का, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। तो ये है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, ब्लूम ने किया है। अगला है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा पढ़ करके।
इसका ऑप्शन आपका डी सही है। छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में पढ़कर बैठकर पढ़ेंगे तो बच्चों के अंदर भी ऐसी आदत आएगी कि वो पुस्तकालय में जाकर पढ़ेंगे। आपको पता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, तो जैसा हम करेंगे वैसे ही बालक करेंगे। तो इसीलिए अगर अध्यापक जो है पुस्तकालय में बच्चों को पढ़ाना चाहता है या पुस्तकालय में बच्चों की अध्ययन की रुचि जगाना चाहता है, तो अगर अध्यापक वहाँ पर अध्ययन करेगा तो बालक जरूर करेंगे। इसीलिए इसका ऑप्शन आपका डी सही है। अगला है, नाचना, लिखना, ड्राइविंग आदि कुछ उदाहरण हैं शारीरिक विकास के, गतिक विकास के, सामाजिक विकास के, भावनात्मक विकास के। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, गतिक विकास के हैं ये। लेकिन नाचना, लिखना और ड्राइविंग करना दोनों में जो है गति है, गति से संबंधित है, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका बी सही है। अगला है, आप एक ही वेतन के निम्नलिखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय का चयन करने को कहा जाए तो आप चयन करेंगे, पुलिस, क्लर्क, अध्यापक, फौज। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा, क्योंकि अध्यापक जो है वो भविष्य निर्माण करता है। तो अगर हम अध्यापक का प्रोफेशन चुनते हैं तो उससे अच्छा व्यवसाय कोई नहीं है। मैं भी एक अध्यापक हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों को मैं एक बेस दे रहा हूँ अध्यापक बनने के लिए। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। अगला है, किस अवस्था में गतिविधि के कारण और कार्य की बच्चे द्वारा खोज की जाती है, ज्ञानेन्द्रीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अगर आपने मेरा संज्ञानात्मक विकास का वीडियो जो है बियाजे का देखा होगा तो आप जरूर कर लेंगे इसे। जरा मैं आपको प्रश्न समझा देता हूँ कि किसी अवस्था में शारीरिक गतिविधि के कारण और कार्य, यहाँ पे जो है शारीरिक गतिविधि के कारण और कार्य की बच्चे द्वारा खोज की जाती है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? शारीरिक गतिविधि के अनुसार ज्ञानेन्द्रीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो शरीर के आधार पर गतिविधियों के माध्यम से बालक ज्ञान अर्जित करता है वो होता है ज्ञानेन्द्रीय अवस्था में, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है, आपको पाठ्यक्रम निर्माण समिति में रखा जाता है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे, पाठ्यक्रम खूब कठिन हो, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करे, पाठ्यक्रम को सरल बनाए, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं हो। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सही होगा बी, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करे। ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम बना दीजिए क्योंकि इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, इसका ऑप्शन आपका बी सही है। अगला है और लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही करे। तो प्रश्न है हमारा, शिक्षकों को अपनी छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर इंगित करते हैं, अपने ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक रणनीतियों, योग्यता के अनुसार समूह बनाने का दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठ्यक्रम की आवश्यकता। तो आपका इसका ऑप्शन सही है बी, आवश्यक उपचारात्मक रणनीतियों की ओर इंगित करता है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगर बालक जो है गलतियां कर रहा है तो उसका यानी त्रुटियों का अध्ययन करने के लिए जो है हमें पता है कि वो बालक जो है हमारे सामने बैठा हुआ है छोटा सा, वो गलतियां कर रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि हमारी क्या गलती है, हम उसे समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। तो आवश्यक उपचारात्मक रणनीतियां बनाने की आवश्यकता होती है कि त्रुटियों को हम कैसे दूर करें, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पर समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।